इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ कम लोग रहते हों, और उन्हीं कुछ रिमोटेस्ट प्लेसेस में से एक है स्पीति वैली। ये कोल्ड डेजर्ट वैली दिल्ली से 10 गुना ज़्यादा एरिया में है और पॉपुलेशन दिल्ली की पॉपुलेशन से 0.1% से भी कम। जब इतनी रिमोट लोकेशन है तो फिर मैंने सोचा ग्रुप को ले जाकर भीड़ क्यों करनी, चलते हैं सोलो। मॉर्निंग में मनाली से काजा की बस पकड़कर शाम तक आप होते हैं स्पीति में, और अगर आपने ये बस जर्नी करी तो ये आपकी अब तक की सबसे सीनिक बस जर्नी होने वाली है। बस ड्रॉप करती है काजा में, जो कि स्पीति का हेडक्वार्टर है और यहाँ का सबसे बड़ा टाउन भी। स्पीति में लोकली बोली जाती है भोती लैंग्वेज, जो कि एक तरह की तिब्बतन लैंग्वेज है, और यहाँ नमस्ते या हेलो नहीं बोला जाता। जो बोला जाता है वो आपको ये बच्चे बताएंगे। स्पीति के बारे में थोड़ा और जानने मैं पहुंचा यहाँ की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री। ज़्यादातर जितने भी 90% मोनेस्ट्री आपको भीड़ भाड़ इलाके से दूर मिलेंगे, गांव से दूर, शहर से दूर। जो भी स्टडीज़ करते हैं मंक्स और जो भी प्रैक्टिस करते हैं, उनको आइडिया होता है कि कैसा एटमोसफियर चाहिए होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इस तरह के जगह चुनते हैं जो भीड़ भाड़ के इलाके से दूर हो, जहाँ पर शोर शराबा ना हो, जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। वहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप कामली अपना प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता और उसका मेडिटेशन जो है वो सक्सेसफुल रहता है। की मोनेस्ट्री अराउंड 13,000 फीट की हाइट पर लोकेटेड है और ये सच में अपने आप में एक टाउन है। इसमें स्कूल्स हैं, टेंपल्स हैं, प्रेयर हॉल्स, हॉस्टल्स, बड़े बड़े किचन्स, रेस्टोरेंट्स, प्लेग्राउंड्स और भी बहुत कुछ। मोनेस्ट्री में बच्चे से लेकर बड़े आपको हर एज के मंक्स मिलेंगे, और मोनेस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ की लंच प्रेयर में शामिल होना। दिन में 12 बजे के अराउंड सभी मंक्स प्रेयर हॉल में इकट्ठा होकर लंच करते हैं, और अगर आप भी यहाँ बैठे तो आपको भी बटर टी सर्व की जाएगी, जो कि सच में बहुत टेस्टी होती है। और लंच से पहले की जाती है प्रेयर और चैंटिंग। लंच के बाद सभी मंक्स बच्चे अपने प्लेट्स और बाउल्स को खुद धोते हैं, और इनमें से कुछ बच्चे तो सिर्फ 5 साल की एज के होते हैं।
लंच बनता है इस किचन में, इन बड़े बड़े बर्तनों में। जहाँ किलोज ऑफ दाल और राइस सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए बनाए जाते हैं। ये कुकर्स इतने हैवी होते हैं कि इन्हें एक आदमी उठा नहीं सकता। दो लोग मिलकर एक कुकर को स्टोव पे रखते हैं। और फिर किचन से खाना सर्व किया जाता है बड़े बड़े बकेट्स में भरकर प्रेयर हॉल में। यहाँ के जौ जौ बोलते हैं बाली, उसको रोस्ट करके फिर चक्की में पीस के बनता है। और सत्तू यहाँ का सुपर फूड है, ये आपको हर जगह दिखेगा। यहाँ के प्रेयर के लिए बने खाने में, प्रेयर के लिए बने होली स्ट्रक्चर्स में, मतलब हर जगह। इवनिंग के टाइम सभी मंग्स बच्चे चले जाते हैं खेलने के लिए, और ये कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, मतलब कुछ भी। सिर्फ एडमिशन कराने की ज़रूरत है, बाकी सब जो जो चीज़ें जितने भी, जैसे फूड्स खाने से लेकर कपड़ों का, रूम का, और जैसे मनी, पॉकेट मनी, इन सब का मोनेस्ट्री ख्याल रखता है। हर फैमिली से जैसे परिवार का दूसरा लड़का हो तो वो इधर भिक्षु बनने के लिए आता है, दो होगा तो एक इधर आते हैं। तो मम्मी पापा की याद नहीं आती? याद आते हैं ना, संडे को जहाँ कभी चले जाते हैं ना, कल हम लोग जाने हैं, चलो फिर मंडे को हम लोग आते हैं, हम तो हमें आते हैं घूमने चले जाते हैं अपने गांव। अच्छा, मेरा गांव किब्बर, इसका गांव किब्बर, दोनों गांव किब्बर है। अच्छा अच्छा, और वहीं दूसरी तरफ एडल्ट मंक्स करते हैं अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस, वो भी इन स्पेशली मेडिटेशन के लिए बने केव्स और गुफाओं में। वहाँ पर आपने सेपरेट केव देगा, होगा केव अलग अलग से, वो सेपरेट, अगर कोई सेपरेट करना चाहता है मेडिटेशन तो वहाँ कर सकता है। और वो स्पेशल जो विंडो है वो, उसके अलावा पूरा डार्क है, तो आपको फोकस करने का एक चीज़ मिलता है, तो आप उस पर वेल फोकस रहते हैं, उस क्योंकि उसके अलावा आपको देखने को कुछ है नहीं, वो रोशनी आपको फुल फोकस्ड महसूस कराता है, और आप पूरा वेल बैलेंस्ड होते हैं जब जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है कि किस तरह से स्टेबल रहना है। आपने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन, एनालिटिकल मेडिटेशन, तो मेन बेस सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन। बुद्धिज्म में ज़्यादातर बुद्धा के स्टैचू पर फोकस करते हैं, स्टैचू पर एक चीज़ पर फोकस करना है, सिंगल पॉइंटेड मेडिटेशन, एक चीज़ पर फोकस आपका रहे। मेडिटेशन के बारे में काफ़ी बातें पता चली, बट सवाल तो ये है कि मेडिटेशन इतना ज़रूरी क्यों है? अभी तक हम जो है हमारा फिजिकल का ही वो कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। अब हर रोज़ अपने शरीर को खाना खिलाते हो, सुबह, दिन को, रात को, और कभी जैसे कॉफ़ी, फिर ड्राई फ्रूट्स, ये सब खिलाते हैं। लास्ट टाइम कब आपने अपने दिन, जब माइंड है उसको खाना खिलाया, उसको कब कहा कि ये मत करो,
ये मत करो, ये करना चाहिए, कब कहा? कभी कहते नहीं हम, जो आता है उसके पीछे भाग के चले, जो ये कराता है उसके पीछे भागते, तो हम इसके कंट्रोल में भी, तो हमें जो है इसको अपने कंट्रोल में करना, माइंड को अपने कंट्रोल में करना। जब ये कंट्रोल होगा तो पूरा फिजिकल आपके कंट्रोल में होगा, आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में। अपने घर से दूर रहना और वो भी इतने सिंपल लाइफ से जुड़कर, मुश्किल तो बहुत होता है मंक्स के लिए, पर वो जब चाहे तब मोनेस्ट्री को छोड़कर जा सकते हैं। ऑल अराउंड 350 मंक्स है, तो उनमें से बहुतों ने छोड़ा है। अगर काउंट करें तो तकरीबन 70-80 मंक छोड़ चुके हैं और अभी हाल ही में 2-3 ने छोड़ा है। बचपन से इस मोनेस्ट्री में पले बड़े और यहाँ पर जो कुछ अभी, जो कुछ आपको बता रहा हूँ, जो कुछ जाना है, अभी जिस काबिल हूँ वो सब इस मोनेस्ट्री ने दिया है। और हमारे माँ बाप ने हमें 6-8 साल संभाले, उसके बाद अभी ज़िंदगी का पूरा 17 साल अभी तक का, और शायद यहाँ से आगे पूरा ज़िंदगी भर ये मोनेस्ट्री हमें साथ देने वाली है। और ये हमें कभी भी किसी भी वक्त नहीं नकारेंगे। अगर हम मंग रहते हैं तो शरीर तो बढ़ सकता है, लेकिन वो ज्ञान जो यहाँ से मिला है तो इसका बहुत ज़्यादा हम पे कर्ज है। तो एज ए मंग अगर आप यहाँ पर ज़िंदगी स्पेंड करते हैं तो कभी ना कभी किसी हालात में आप मोनेस्ट्री का कर्ज चुका के जाएंगे। आपको मोनेस्ट्री का कर्ज है, इस वजह से कोई आपको नहीं रोक सकता, ये आपको समझना है। अगर वो समझ नहीं होगा तो फिर मोनेस्ट्री को छोड़ के फिर बाद में रिग्रेट करने का ये सब नहीं रहता है। तो अभी जो कुछ भी दिया है मोनेस्ट्री ने दिया, तो कुछ यहाँ से कुछ करके जाएंगे इसके लिए। इस तरह का हमारा एटीट्यूड इस तरह से रहता है। टेंजिन लामा से बात करके बहुत कुछ नई बातें पता चली, की मोनेस्ट्री के बारे में, मंक्स के बारे में और शायद जिंदगी के बारे में भी। यही तो बात है ट्रैवलिंग की, ये आपको नए एक्सपीरियंस कराती है, नए लोगों से मिलाती है, हर बार हर जगह आप कुछ नया सीख के जाते हैं। और स्पीति की ऐसी अभी और भी जगह हैं, और भी स्टोरीज हैं जो आप सबके साथ शेयर करनी है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।